सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भाग्यश्री उत्तराखंडी व्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। गाइस, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला। और गाइस, आज मौसम थोड़ा ठीक है, कल हुई थी थोड़ी सी बारिश, तो इसीलिए मैं आप लोगों को छत पे लाई हूँ। तो मैंने कहा चलो आज छत दिखा देती हूँ, कब से छत पे भी नहीं लाई थी। और धूप भी इतनी तीखी धूप नहीं है, आज ठीक धूप है और दिनों से। कल बारिश हुई थी, लग रहा आज भी बारिश होगी क्योंकि थोड़ा थोड़ा बादल लग रहा है मुझे। बारिश हो जाती ना एक बार तो बहुत अच्छा मौसम हो जाता। जामुन हो रहे हैं गाइस, मीठे हो रहे हैं यार। वो जो जामुन का पेड़ दिख रहा है ना इसमें, वो उधर है लास्ट वाले में दिख रहा है ना, वो जामुन का पेड़ है। ठीक है, वो वाला जामुन का पेड़ है तो इसमें हो रहे जामुन। चलो चलते हैं नीचे, आज दिखाती हूँ कुछ नया लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, सो गाइज़ देखिए मैं आप लोगों के लिए नया क्या लाई हूँ, आप खुद देख सकते हैं। तो ये है, मैंने अपने हस्बैंड जी के लिए बनाए हैं मफलर और टोपी। ठीक है, ये थोड़ा ब्राउन हल्का सा ग्रे ग्रे कलर का है। तो जो मैंने टोपी बनाई है ना गाइस, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी उस टाइम जब मैंने बनाई है। अभी क्या बोलते हैं, जब मैंने इसको देखा ना, ये चीज़ इसकी जो आई है ना गाइज़, आप कुरुशिया से बनाया आप यकीन नहीं करोगे, इतनी परफेक्ट बैठी ना है, मैं खुद अपने आप पे वो रहेगी। मैंने कहा यार कितनी सुंदर लग रही है ये, मतलब लग ही नहीं रहा कि हाथ से बनाया होगा इसको, ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये टोपी। और ये मफलर है, इसमें जो मैंने डिजाइन डाली है गाइस, ये आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगेगी। ये देखिए, हाँ यहीं से स्टार्ट कर रखा है ऊपर को, है ना। ये जो झूमर मैंने लगाया है ना इसमें नीचे को, ये भी बहुत, क्योंकि मेरे हस्बैंड ढकते तो नहीं है, मैंने कहा यार मुझे अगर आता है तो मैं इनके लिए ना पहले इनके लिए बनाऊंगी जो भी मैं सीखूंगी। तो मैंने जो साइड से भी डिजाइन बना रखे हैं इसमें, और जो ये वाली डिजाइन आप देख सकते हैं ये ऊपर को इतनी प्यारी लग रही है ना, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने लंबा बना रखा है ताकि मतलब घर की जो ठंड होती है ना बहुत ही, ये कम से कम मैंने 6 फीट का बना, 6 फीट का बना रखा है, 6 फुट का होगा ये लग रहा मुझे, ज़्यादा लंबा है ये। मैंने अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग बना रखा है, उनकी लंबाई ज़्यादा है तो बहुत ही ज़्यादा लंबा बनाया मैंने। मैंने कहा ये क्या बोलते हैं, छोटा बनाऊंगी तो उनके डबल करके आएगा नहीं, तो मैंने ज़्यादा लंबा बनाया है। ये फोल्ड करके तो कम हो जाता है ना गाइस, तो इसलिए मैंने लंबा बनाया है। आप देख सकते हैं इस, मतलब ये मुझे बहुत, उस टाइम जब मैंने ये बनाया ना कुछ टाइम पहले, तो मैं तब स्टार्टिंग कर रही थी कि मुझे क्या क्या आता है, बस वही चीज़ सीख रही थी मैं। मैंने कहा क्या क्या आता है वो चीज़ देख रही थी, क्या क्या चीज़ें मैं करूँगी, कैसे कैसे बनाऊँगी, वो सारी चीज़ें देख रही थी। ये उल्टी साइड है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, इस उल्टी साइड ये वाली है, ये वाली। तो मैंने इसको बनाने में काफ़ी मेरा समय लगाया काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि स्टार्टिंग कर रही थी तो उतने अच्छे से हो नहीं पा रहा था, क्लीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब अभी देख रही हूँ बहुत ही मुझे खुद सुकून मिल रहा है कि मैंने इतनी अच्छी डिजाइन खुद ही बनाई है। और आपको भी अगर शौक है ना, आप शौक होना चाहिए इंसान के अंदर, आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं तक भी जो आपने सोचा है ना आप उससे भी बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने तो इतना अच्छा नहीं सोचा था, साइड में देखिए, साइड ये जो साइड में मैंने कॉर्नर में बना रखे हैं ना, इससे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है कि आप जितना मतलब मैं खींचते जाऊँगी आप देखोगे कि उतना ही ज़्यादा सुंदर लगते जाएगा। ये देखिए आप, ये देखिए, ये जो मैंने कॉर्नर में बना रखे ना इतने सुंदर लग रहा है, ये फ़ोन पे इतना अच्छा आ नहीं पा रहा जितना रियल में लगता है, लग रहा ना सुंदर उतना ही फ़ोन पे नहीं आ पा रहा है। तो मतलब जब भी ये होगा ना, ये देखिए अब ऐसे करके बहुत ही ज़्यादा शानदार जिसे बोलूँगी मैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा, भूलिएगा मत। और बताइएगा मुझे आप लोगों को कैसा लगा मफलर और टोपी, क्योंकि ठंडा गांव साइड में ठंडा ज़्यादा पड़ता है, यहाँ तो ऐसे ही होता है कि 1 महीने का ठंडा होगा काफ़ी अगर हो भी जाएगा तो, लेकिन गांव में नैनीताल में बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, तो मैंने इसलिए बनाया था। और ये ऊन भी काफ़ी वर्तमान का था ना, ऊन भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके, इंतज़ार रहेगा कि आपको कैसा लगा ये टोपी और ये मफलर। ठीक है, फिर मैं और चीज़ें भी लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। ओके,
ये देखिए, बहुत ही शानदार जो इसकी बुनाई ऊपर ऊपर को की है ना मैंने, अभी मुझे खुद ही इतनी अच्छी लग रही, तो शायद आप लोगों को भी पसंद आएगी। सो ये टोपी है, चलो तो करते हैं, बाय बाय गाइस, ठीक है।